ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का हमारा अध्याय है नोटपैड। नोटपैड के अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड स्टार्ट करना, टाइटल बार, मेन्यू बार, फाइल सेव करना, फाइल खोलना और नई फाइल बनाना। नोटपैड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप नॉर्मल टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी टाइप करके रखना है तो वो आप उसमें जाकर के लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले सीखते हैं नोटपैड को ओपन करने का तरीका। एक तरीका तो हम पहले सीख चुके हैं, उसे आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर बता देते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट पर जाइए, स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए और इसमें ऑल प्रोग्राम्स पर जाइए। ऑल प्रोग्राम्स पर जैसे ही जाएंगे सूची खुलेगी। एक्सेसरीज पर जाइए। एक्सेसरीज में जाते ही उसके आगे अंदर की सूची खुल जाती है। इसे माउस ड्रैग करके आप नीचे आते जाइए नोटपैड तक और ये नोटपैड आपके सामने है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए नोटपैड विंडो खुल गई। इस तरीके के बारे में हमने पहले भी बात की थी। आइए अब सीखते हैं दूसरा तरीका। पहले इसे बंद कर दीजिए, वापस स्टार्ट बटन पर जाएं। स्टार्ट मेन्यू आपके सामने है। सीधे हाथ की तरफ जो प्रोग्राम से उसमें सबसे नीचे लिखा है रन, इस पर क्लिक करें। अब ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया है इसमें ओपन के सामने एक जो पट्टी है उस पर आपको जो भी प्रोग्राम खोलना है वो टाइप करना होता है। अगर जो प्रोग्राम आप खोलना चाहते हैं वो वहां पर लिखा हुआ नहीं है तो उसे पहले टाइप करें और फिर ओके करें। और अगर पहले से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर नोटपैड लिखा हुआ है, तो आप सीधे ओके पर जाएं और क्लिक कर दें। ये नोटपैड विंडो हमारे सामने आ गई। अब विंडो आपके सामने खुल गई है। अगर आप इतने पे काम करना चाहते हैं तो इतने पे कर सकते हैं और अगर आप इस विंडो को अपनी पूरी स्क्रीन पर चाहते हैं तो मैक्सिमाइज करके आप इसे पूरी स्क्रीन पर ला सकते हैं। अब आप जो भी टाइप करना चाहते हैं उस पर आप टाइप करें। मान लीजिए हम टाइप करना चाह रहे हैं आई लर्न कंप्यूटर, ये हमने टाइप कर दिया आई लर्न कंप्यूटर। और भी आपका जितना भी काम हो वो आप इस पर कर सकते हैं। पर जब हम किसी फाइल में काम करते हैं तो हमें उसे सेव करना होता है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो विंडो बंद करने के साथ ही वो फाइल आपकी गायब हो जाएगी और आपको वापस नहीं मिलेगी। तो आइए सीखते हैं कि जो हमने काम किया है फाइल में उसे हम कैसे सेव करें। इसके लिए टाइटल बार के नीचे जो मेन्यू बार है उस पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे पहला ऑप्शन है फाइल। फाइल पर जाकर क्लिक कीजिए। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सेव, सेव पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो खुली जिस पे टाइटल बार पे लिखा है सेव एज। इसमें नीचे आप देखेंगे सेव इन पे जो भी आप काम करते हैं उसे हम प्रायः माय डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं और सेव इन के सामने आपको हो सकता है कि माय डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिखे। वैसे अगर आप चाहें तो जहां आपकी इच्छा हो वहां आप अपने काम को सेव कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिए। ये देखिए सेव इन के सामने वाली पट्टी में डेस्कटॉप लिखा हुआ आ गया, आप अपने काम को यहाँ सेव कर सकते हैं। अगर आप माय कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो माय कंप्यूटर पर जाकर क्लिक कीजिए और ये माय कंप्यूटर खुल गया, आप अपने काम को यहाँ सेव कर सकते हैं। पर चूंकि हम प्रायः अपने काम को माय डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं इसलिए हम माय डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको अपने काम को सेव करना है। नीचे आप देख सकते हैं तीन अलग अलग पट्टियाँ हैं। सबसे पहली है फाइल नेम, जो हमारी फाइल है उसको ढूंढने के लिए हमको उसको एक नाम देना होगा। तो यहाँ पर हम अपनी फाइल को एक नाम देंगे। इसको पूरा क्लियर करके आप जो नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दीजिए। मान लीजिए हम अपनी फाइल को नाम देना चाह रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर नाम से हमने इस फाइल को सेव किया तो कंप्यूटर टाइप कीजिए और फिर सेव ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी ये जो फाइल है वो सेव हो गई है कंप्यूटर नाम से और आपका काम ख़त्म हो गया है। तो आप नोटपैड से बाहर आ जाइए। नोटपैड से बाहर आने के लिए या तो आप सीधे टाइटल बार में जो क्लोज बटन है उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए या फिर फाइल पर क्लिक करके सबसे नीचे एग्जिट दिया है उस पर क्लिक कर दीजिए।
और आप नोटपैड से बाहर आ जाएंगे। ये हमारा एक काम खत्म हुआ और हमने फाइल को सेव कर दिया। अब मान लीजिए आगे आपको कभी उस फाइल को ओपन करना है और उसको देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले नोटपैड ओपन कीजिए और अब मेन्यू बार पर जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले फाइल ऑप्शन पर जाइए और दूसरे नंबर पे ऑप्शन है ओपन। अब आप जैसे ही इस ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी ओपन की। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर लुक इन के सामने एक जो ये पट्टी है इस पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने अपनी जो फाइल है वो कहाँ पर सेव की थी। अगर आपने अपनी फाइल डेस्कटॉप में सेव की है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और चूंकि हमने अपनी फाइल सेव की थी माई डॉक्यूमेंट्स में इसलिए हमें जाना पड़ेगा माई डॉक्यूमेंट्स पर। वहाँ पर जाकर आप क्लिक कीजिए। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया माई डॉक्यूमेंट्स और हमने कंप्यूटर नाम से इसमें अपनी फाइल सेव करके रखी है। ये देखिए यहाँ पर ये है कंप्यूटर। आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके भी फाइल ओपन कर सकते हैं और या फिर आप यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है फाइल नेम यहाँ पर कंप्यूटर टाइप करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपने आप फाइल नेम के सामने कंप्यूटर नाम आ जाएगा। अब आप ओपन पर जाकर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए ये हमारी फाइल ओपन हो गई। और अब हम सीखते हैं नई फाइल लाना। एक बार फिर बताए गए तरीके से आप नोटपैड खोलें। आपके सामने नोटपैड विंडो ये खुली हुई है और मान लीजिए हम इसमें कुछ काम कर रहे हैं। हमने इसमें काम किया, इसमें हमने लिखा है हाउ टू इंसर्ट न्यू फाइल। अब हमको लग रहा है कि हम इस फाइल में काम करना नहीं चाहते हैं, हमें नई फाइल खोलने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले आप मेन्यू बार पर फाइल में जाएं, फाइल ऑप्शन में जाकर सबसे पहला जो आपको ऑप्शन दिखेगा वो है न्यू, इस पर क्लिक करें। पर यहाँ देखिए नई फाइल आने की बजाय एक डायलॉग बॉक्स आ गया है जो आपसे पूछता है डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस। दरअसल आपने जो पुरानी फाइल है वो बंद नहीं की और आप नई फाइल खोलना चाहते हैं, तो जो कुछ आपने मैटर उसमें लिखा है, जो कुछ आपने टाइप किया है, उसके लिए कंप्यूटर आपसे पूछता है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं या फिर आप इसे हटाना चाहते हैं। अगर आपको ये सेव करना हो तो आप यस पर जाएं और क्लिक करें। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपकी सेव वाली विंडो आ जाएगी और जिस तरह से आपको पहले सिखाया है फाइल सेव करना उस तरह से आप उसको सेव करके रख लें। और अगर आप वो मैटर आपके काम का नहीं है, आप उसे सेव करना नहीं चाहते हैं, तो आप नो पर जाएं और क्लिक कर दें। ये देखिए वो मैटर हट गया और ये नई फाइल आपके सामने आ गई और अब आप इसमें काम कर सकते हैं। आज नोटपैड के अंतर्गत हमने सीखा नोटपैड स्टार्ट करना, टाइटल बार, मेन्यू बार, फाइल सेव करना, फाइल खोलना और नई फाइल बनाना।